नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे 5YY एनालिसिस के बारे में, जिसको YY एनालिसिस भी बोलते हैं। YY एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी समस्या के रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि YY एनालिसिस क्या है। 5YY एनालिसिस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का ही एक मेथड है, जिसको कि हम किसी प्रॉब्लम के समाधान तक या समस्या के मेन कॉज तक पहुँचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई YY एनालिसिस या 5Y एनालिसिस बोलता है तो दोस्तों कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही चीज है। अब बात करते हैं 5YY एनालिसिस का बेस क्या है। एनालिसिस का बेस है वो ये है कि अगर हम किसी समस्या को लेके 5 बार सवाल करते हैं या 5 बार क्यों पूछते हैं, तो हम उस समस्या की जड़ तक या उस समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं। अब ये सवाल पूछने कैसे है? सवाल पूछने का तरीका है कि जो मेरा पहला सवाल था और उसका जो जवाब था, जैसे कि आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने क्या पहला सवाल किया, भाई आप लेट क्यों हो गए, आप ऑफिस के लिए लेट क्यों हो गए, तो जवाब दिया क्योंकि मेरी गैस खत्म हो गई थी या मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था। तो फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा, आपका पेट्रोल क्यों खत्म हो गया। तो इस तरीके से इसका मेथड क्या है कि जो पहले सवाल का जवाब है वही अगला सवाल है। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि एक समस्या आ गई कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ओवर स्पीडिंग करते हुए, कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था और पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम गाड़ी क्यों तेज चला रहे थे, तो उसका जवाब आया, पहला वाय आया, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। फिर हमने अगला सवाल पूछना है, तुम ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे थे, क्योंकि मैं देर से उठा। उसने अगला जवाब क्या दिया कि मैं देर से सोकर उठा। फिर अगला सवाल करना है, यही नहीं रुकना है, देर से क्यों सोकर उठे, देर से मैं इसलिए सोकर उठा क्योंकि जो मेरी अलार्म घड़ी थी वो काम नहीं करी। फिर चौथा सवाल कि आपकी घड़ी क्यों काम नहीं करी, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। उसने अगला जवाब दिया कि बैटरी खत्म हो गई थी। फिर मैंने अगला सवाल किया कि बैटरी क्यों खत्म हो गई या डेड क्यों हो गई, तो जवाब मिला क्योंकि मैं बदलना भूल गया। तो जो रूट कॉज क्या हुआ कि मैं गाड़ी तेज चलाते हुए पकड़ा गया, उसका रूट कॉज निकला कि मैं बैटरी बदलना भूल गया था, जिसकी वजह से अलार्म जो है वो बजाने ही समय पे मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी तेज भगानी पड़ी। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि प्रॉब्लम है कि गाड़ी मैं तेज चला रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया, लेकिन हमने जब जाके रूट कॉज में देखा, अंत में जाके देखा, तो मूल समस्या क्या थी कि वो बैटरी बदलना भूल गया था। तो हमने क्या करना है, जो हमें समस्या मिल गई उस पर हमें काउंटर मेजर लेना है। काउंटर मेजर क्या लिया हमने, काउंटर मेजर हमने लिया कि हमने एक शेड्यूल बना दिया कि हर 2 महीने में 3 महीने में बैटरी को बदलना है, चाहे बैटरी खराब हो या नहीं। जैसे कि हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, हम ये इंतजार नहीं करते कि गाड़ी खराब हो जाए जब सर्विस कराएं, क्योंकि अगर हम उसको टाइमली सर्विस नहीं कराएंगे तो बीच में कहीं भी खराब हो जाएगी और हमें दिक्कत में डाल देगी। ऐसे हमने इस समस्या का क्या रूट कॉज निकाला कि मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा कि हर 3 महीने में मुझे बैटरी चेंज करनी है और उसको वहां चिपका दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि हर 3 महीने में बैटरी चेंज करनी है और मैं बैटरी चेंज कर सकूं। तो इस तरीके से 5 बार हम बाय 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 या क्यों 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 पूछ के हम समस्या के जड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 5 में भी हमें आंसर नहीं मिले तो हम 6वां वाय भी पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आप सही ढंग से सवाल करेंगे तो आपको 3 या 4 वाय के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। ये तो मैंने मेथड बता दिया कि 5 बार सवाल पूछने, अब इसका तरीका क्या है। तरीका है, सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी टीम। अगर हमें YY एनालिसिस करना है तो हमारे पास सबसे पहले तो टीम होनी चाहिए, CFT टीम होनी चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए कि जो YY एनालिसिस करेगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। टीम बना ली, हमें पता होना चाहिए समस्या क्या है। जब हमें पता होगा कि समस्या ये है तो हम उसी के ऊपर YY एनालिसिस कर पाएंगे। समस्या पता चल गई तो हमने किया YY एनालिसिस, जब YY एनालिसिस किया तो एक हमारे पास रूट कॉज निकल के आया,
जड़ निकल के आई, मूल समस्या निकल के आई, तो उसपे हमने क्या करना है, फिर हमने उस पर एक्शन लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार हम किसी भी समस्या के मूल कारण तक पहुंचेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। तो दोस्तों ये था वाई वाई एनालिसिस, आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।